Children, come to your class. Are you all ready with your book? Now, we had done lesson number 6, the noun number, in the last class. I had explained you the lesson. And I gave you some rules also to write in your fair copy. I hope you all have written and learn it. तुमने सबने लिख लिए होंगे और लर्न भी किए होंगे. यस, ओके. नाउ टुडे वी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज ए. आज अपन एक्सरसाइज ए करेंगे. ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दी है ना. अब आप मेरे को बताएंगे कि आप सब लोगों ने कर ली क्या एक्सरसाइज ए एंड बी. हैव यू ऑल डन एक्सरसाइज ए एंड बी इन योर बुक एंड इन योर फेयर कॉपी? दोज हु आर नॉट हैविंग द बुक हैव टू डू दिस एक्सरसाइजेस इन योर फेयर कॉपी. आई टोल्ड यू टू डू. हैव यू ऑल डन इट? चलो, वेरी गुड. यू हैव डन इट, दैट मीन्स गुड. नाउ वंस अगेन वील रिपीट द एक्सरसाइजेस. बैलून, हु विल गिव मी द आंसर? बैलून, यस, बैलून्स है ना. That means you have done the work. Nice. Yes, Maitri, Nirja. Good. Now, children. Egg. 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 Yes. Okay. Now, that means you have done it. I was just testing you whether you have done or no. We'll start with exercise C then. C mein write the singular of each of the following words. Aapko ye jo words de rakhe hain, plurals mein de rakhe hain, aapko inko singular mein likhna hai. इनके सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं. प्यूरल फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखने हैं. ऑक्सन, ऑक्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सन? बताइए ऑक्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा. यस, गुड. कृतिका, निर्जा, मैत्री, अविका, ऑक्स. गुड आंसर, राइट आंसर. यू हैव गिवन द राइट आंसर. सेकेंड इज बीसन. बीसन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ बीसन? यस, इट विल बी द सेम वर्ड. मैत्री एंड कृतिका, अविका, यस, राइट आंसर. थर्ड इज लोगोस. लोगोस, यस, यस, राइट आंसर. मैत्री, कृतिका, अविका, हेमंदर, ओनली लोगो. यस, राइट. नाउ फोर्थ, गीटोस. ई एस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट. कार्गोस,
cargoes. Fifth is cargoes. What will be the answer? Yes, cargo. Right answer. Today you are all giving the right answers. That means you have done the exercise by yourself. It means that you have done the exercise by yourself. Good. You have tried your best to do the exercise. Now, sixth is leaves. Leaves. Sixth is leaves. What will be the singular of leaves? Yes, good. Leaf. Yes. Right answer. Now, seven is lives. L-I-V-E-S, lives. L-I-V-E-S, lives. Yes, Neza, Avika, Kritika, Maitri, Nirza. Yes, L-I-F-E, life. Right answer. Now, echoes. Echoes. Iske andar echo aayega. E-C-H-O. Halls. Hall. Halves. Halves. Aisa jayega. Aisa ki aisa hi aayega. 11th mein spices. Spy. S-P-Y aayega. I-E-S hat jayega. Y laga denge. Kyunki jab hum Y hatate hain, to uske aage apan I-E-S lagate hain. To isme spices hai. तो अपन इसका जब सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो एस पी वाई लगाएंगे. वाई आई एस को हटा देंगे और उसकी जगह वाई लगाएंगे. ऐसे नंबर 12 में देखो वाइब्स. डब्ल्यू आई वी ई एस वाइब्स. तो वी ई एस जब हम लगाते हैं, जब हम एफ ई को हटाते हैं, तो आप वाइफ कैसे लिखोगे? यस, गुड आंसर, करेक्ट आंसर. नाउ नंबर 13, जर्सीज. जर्सीज. जर्सी में आपको सिर्फ एस हटाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वाई बाद में है, एस पहले है. इसलिए 14 में है रेज. रेज. रेज में सिंगुलर फॉर्म बनाइए. इसमें भी आपको क्या करना है, कैसे लिखोगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ रेज? यस, राइट आंसर. स्टोरीज. स्टोरीज होती हैं. स्टोरीज को कैसे लिखोगे? ये एस टी ओ आर ई वाई एस स्टोरीज है. एक दो तीन चार पांच छह स्टोरी. अब यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है, आई फॉरगॉट द नेम. जर्सी. जर्सी पहनने की जर्सी. इसमें से स्टोरीज में से वाई निकल जाता है.
एस निकल जाता है, वाई तक ही स्पेलिंग रहेगी सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि ये कहानी वाली स्टोरीज नहीं है, ये 1, 2, 3 मंजिल वाली है स्टोरीज। नाउ डोंकीज, डोंकीज का सिंगुलर क्या बनाओगे आप? डोंकी का सिंगुलर ठीक है, राइट है, यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। नाउ 17, जिराफ्स, जिराफ्स जिराफ्स का राइट आंसर क्या होगा ना? जिराफ्स का एस हटाना है, ई तक ही आपको रखना है। एटीन में है मॉस्किटोज, सिंगुलर बनाना है मॉस्किटोज का। मॉस्किटोज का सिंगुलर बनाना है, कैसे बनाएंगे? यस, यस, करेक्ट आंसर्स, रितिमा, निर्जा, कृतिका, मैत्री, योर आंसर इज राइट। Now, loops, loops. What will be the singular of loops? VS आ गया। जब VS आता है तो हम क्या करते हैं? क्या करोगे आप? Yes. यस, कृतिका, रितिमा, मैत्री, अविका, राइट आंसर है, योर आंसर इज राइट। प्रूफ, प्रूफ्स, टेल मी द आंसर, प्रूफ्स। Yes, right answer, Kritika, Ritima, Avika, Maitri, you are giving the right answer. Now, that means you have done this exercise and you have understood. Have you all understood this exercise? Today I will give you in the होमवर्क टू डू इट, मैं आज आपको होमवर्क में दूंगी ये एक्सरसाइज करने के लिए। अब आ जाओ एक्सरसाइज डी पे। ये कहते हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव सम नाउंस गिवन इन कलर, स्टेट वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल नाउंस। आपको इन सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंसों में कलर्स के अंदर नाउन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फर्स्ट वाला आपको करके उसने बताया है, जैसे कि काउस गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। काउ के आगे एस लगा हुआ है, काउ के आगे क्या लगा है? एस। जब एस लगा हुआ होता है तो एक से ज्यादा काउ होती है, दैट मीन्स इट इज प्यूरल। क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज प्यूरल, एक से ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गया? प्यूरल हो गई। यस, नाउ सेकेंड, द थीफ रैन अवे।
थीफ, थीफ रेड में लिखा हुआ है तो अपन को ये बताना है कि कौन सा वर्ड है, सिंगुलर इसमें है या प्यूरल है, थीफ सिंगुलर है या प्यूरल है ये बताओ, थीफ सिंगुलर है या प्यूरल है, थीफ सिंगुलर है, टी एच आई ई एफ थीफ सिंगुलर है, अगर प्यूरल होता तो टी एच आई वी ई एस होता थीफ, है ना, तो ये सिंगुलर है। थर्ड में मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, अब मंकीज आ गया, मंकीज, मंकीज के आगे एस लग गया तो क्या है ये, मंकीज क्या हो गया बताइए, यस करेक्ट आंसर्स, रितिमा, अविका, मैत्री, रिजुअल, निर्जा, राइट आंसर, गुड। नाउ फोर्थ में देखो, आप साथ साथ लिख रहे हो तो मैं वेट करूं आपके लिए। फोर्थ में है द कलर ऑफ दिस लीव्स इज ग्रीन, ये लीव्स का कलर ग्रीन है, लीव्स, लीव्स इज सिंगुलर और प्यूरल, लीव सिंगुलर है या प्यूरल है, क्या है लीव्स, इज इट ए सिंगुलर और प्यूरल, यस करेक्ट आंसर्स, इट इज प्यूरल। नाउ फाइव, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज द एप्पल, फ्रूट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज द एप्पल, एप्पल का नाम दिया है और फ्रूट दिया है अपन को, तो फ्रूट सिंगुलर भी होते हैं और प्यूरल भी होता है, तो यहाँ अपन को क्योंकि एप्पल का नाम एक ही एप्पल स्पेशल नेम दिया गया है तो हम इसको सिंगुलर लिखेंगे, हैव यू अंडरस्टूड, और वैसे फ्रूट सिंगुलर भी है और फ्रूट प्यूरल भी है, मगर क्योंकि हमें एप्पल दिया गया है, नाम स्पेशली नेम दिया गया है तो हम इसको सिंगुलर लिखेंगे। जिनको लिखना है लिख लो। सिक्स्थ में है अमित टुक अवे माय अम्ब्रेला, अमित मेरा अम्ब्रेला ले गया, अम्ब्रेला सिंगुलर है या प्यूरल, अम्ब्रेला सिंगुलर है या प्यूरल, यस अम्ब्रेला इज सिंगुलर, नाउ टर्न द पेज, दोज हु आर हैविंग द बुक, जिनके पास बुक है अपना पेज टर्न कर लो, टर्न द पेज। नंबर सेवन, आई प्लेड द पियानो, मैंने पियानो खेला यानी चलाया, पियानो सिंगुलर है या प्यूरल, इज इट सिंगुलर और प्यूरल, यस पियानो इज सिंगुलर, पियानो सिंगुलर है। एट, यू मे टेक दिस बुक्स होम, तुम ये बुक्स घर ले जा सकते हो, इज सिंगुलर और प्यूरल, सिंगुलर है या प्यूरल बुक्स,
बुक्स के आगे एस लगा हुआ है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? यस इट इज प्लूरल, गुड। दोज हु आर गिविंग द आंसर, वेरी गुड। लेट्स नाउ 9, लेट्स गो टू द बीच। चलो अपन बीच जाते हैं, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जहाँ खूब सारी रेत इकट्ठी होती है, वहां बैठ के खेलते कूदते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसको बीच बोलते हैं। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? कम ऑन टेल मी। Yes, it is singular. Good. Yes, children, it means you have understood the lesson. Children, you are giving the right answer. Very good. Now, number 10. Children like colorful balloons. बच्चों को colorful balloons अच्छे लगते हैं. Is it plural or singular? Balloons. Balloons singular हो गए या plurals हो गए? Yes, it is plural. Good. You are giving the right answer, children. Now, children, look to exercise E, word games. ये word games हैं, इसमें ये कहा गया है, fit the plurals of the following nouns into puzzles. ये आपको puzzles दे रखे हैं, इसमें plurals लिखने हैं, ये आपको दे रखे हैं singular. इनके plurals आपको बना के लिखने हैं. Write the word across one word has been done as an example. अब ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे famine वो पहले है तो वो ही लिखो, है ना? आपको ये जो कॉलम बने हैं उस कॉलम में जो वर्ड पहले आता है उसका अपोजिट लिखना है. ये नहीं है कि आप वो लिखें जो पहले है. जैसे आपके कॉलम के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है पहले, इसने देखो वैसे अब नंबर जो स्ट्रिप दे रखी है उसमें पहला वर्ड है फ्लेमिंगो, सेकंड वर्ड है एमएन मैन, है ना? तो एमएन मैन में इसने फर्स्ट कॉलम में तीन ही स्पेस है तो इसने एम ई एन मैन दे रखा है. क्या दे रखा है? M E N man दे रखा है. ऐसे इसने फिर नीचे फोर कॉलम्स हैं. फोर कॉलम्स के अंदर आपको ये देखना है कि फोर कॉलम्स का प्लूरल कौन सा है. जैसे माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या है जरा मुझे बताओ. टेल मी द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस. यस The plural form of mouse is mice. तो mice के अंदर four words आते हैं, तो आप M-I-C-E लिख लेना इस column के अंदर. क्या लिख लोगे? M-I-C-E mice. Second column में M-I-C-E mice लिख लेना. इस तरह से आपको ये वाली exercise करनी है. Have you understood? कॉलम देख के वर्ड्स लिखने हैं और बड़े बड़े वर्ड्स तो एक के बाद एक, जैसे पहले छोटे फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फिर उससे बड़ा एक, पहले तीन कॉलम फिर चार कॉलम फिर पांच कॉलम फिर छह सात कॉलम, फिर ऐसे कॉलम वाइज आपको वर्ड्सों को लिखना है. आ गया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड इट? यस चिल्ड्रन. ये एक्सरसाइज कैसे करनी है सबको आ गया समझ में? नाउ चिल्ड्रन,
बहुतों ने कर लिया, वेरी गुड। आपने कर लिया तो मुझे मालूम है क्लास में भी आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था इस गेम्स को करने में और फटाफट करना शुरू कर देते थे। यस वेरी नाइस, दोज हु हैव डन इट वेरी गुड एंड वेरी नाइस। नाउ चिल्ड्रन, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम टुमारो वी नॉट हैव द क्लासेस, है ना। बट डोंट थिंक दैट देयर इज ए हॉलीडे एंड समर वेकेशन फॉर यू। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग योर वर्क। आपको अपना वर्क, अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। अपन ने ग्रामर में लेसन वन से लेके लेसन ये सिक्स तक पूरा कर लिया है ना। तो आप ये पूरा लेसन लर्न करेंगे, पूरा लेसन को अच्छी तरह से, लेसन वन से लेसन सिक्स तक पूरा अच्छी तरह से लर्न करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड और नो? जिन लोगों ने बुक में करा है वो बुक में से लर्न कर लेना, जिन लोगों ने कॉपी में किया है वो कॉपी में से लर्न कर लेना। ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब आया इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में अपन ने लेसन नंबर वन से लेके लेसन नंबर एट तक पूरा वर्क किया हुआ है। उसमें तुम्हारे मीनिंग्स हैं और हार्ड वर्ड्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं, अपोजिट्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू और फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको फेयर कॉपी में भी लिखवाई है और जिनको पास बुक थी मैंने कहा था आप बुक में भी लिख लेना। तो ये सारा वर्क आपको लेसन नंबर वन से लेके लेसन नंबर एट तक पूरा लर्न करना। अब लेसन नंबर वन से लेसन नंबर एट में जो भी पोयम आई है, चाहे वो एक पोयम आई है चाहे दो, कम से कम दो या तीन पोयम तो आई आई है। तो अगर छोटी पोयम है तो दो पैराग्राफ लर्न करने हैं, यानी 8 to 10 lines आपको हर पोयम की लर्न करनी है। अगर बड़ी पोयम है तो एक पैराग्राफ लर्न करोगे, फिर दूसरा पैराग्राफ लर्न करना। 10 lines या 8 lines, दो पैराग्राफ लर्न करोगे, चाहे उसमें 8 lines हैं तो वो लर्न कर लेना, चाहे उसमें 10 lines है तो वो लर्न कर लेना। हैव यू अंडरस्टूड? ये तो आपका होमवर्क रहा। उसके अलावा आपको बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं, वो आप क्लास में स्कूल भी लगता था जब भी लर्न नहीं करते थे, मैम बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा है मैम, छोटे मीनिंग्स लर्न करने दो, तो मैं आपको छोटे मीनिंग्स लर्न करवाती थी। तो वो फिर आप छोटे मीनिंग्स लर्न कर लेना, बड़े बड़े मीनिंग्स मत लर्न करना। मगर हार्ड वर्ड्स सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि हार्ड वर्ड्स आपको आगे भी काम में आएंगे, है ना। और डेली एक रफ कॉपी बना लेना, उसमें डेली आपका 1 page राइटिंग का करना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी बुक्स नहीं लिए तो कर्सिव राइटिंग बुक आपके पास है नहीं। अपनी रफ कॉपी में इंग्लिश रीडर का 1 paragraph रोज लिखना। दूसरा बच्चों, आप स्कूल में आते थे तब आपकी रीडिंग होती थी, अब आप घर पे हो तो जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे कहना आपको 1 page रीडिंग डेली करनी है। आपको मम्मी पापा के पास या जो भी आपको पढ़ाता है उसके पास बैठ के 1 page रीडिंग डेली करनी है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब जब अपनी क्लास फिर से स्टार्ट होएगी तब मिलेंगे। जब तक गुड बाय एंड कंटिन्यू योर स्टडीज।